हम लोग आ गए इस्तेखलाल मस्जिद के अंदर। इस्तेखलाल मास कहते हैं इसको। सड़कें देखिए इंडोनेशिया की कैसी गजब सड़कें हैं। खड़े होकर वजू बनाने का है, इस तरह वजू बनाया जाता है। कुरान पढ़ाने की टेक्निक भी बड़ी प्रैक्टिकल है। आज जुम्मा है और जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए हमने ये सोचा है कि इंडोनेशिया की सबसे बड़ी मस्जिद जकार्ता में जो इस्तेक्लाल मार्ग से है उसमें जाएं। और मेरा इरादा बस से जाने का था, लेकिन मैं लेट हो गया हूँ। यहाँ पे नमाजें जल्दी होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये टैक्सी करी। ये सिंगल आदमी के लिए टैक्सी बहुत अच्छी है। अब देखते हैं कितनी जल्दी पहुंचते हैं। 73,500 रुपए की ये टैक्सी है, इंडिया के तकरीबन 300-400 रुपए के करीब की बनती। मैं ये टैक्सी में बैठ गया हूँ, इसमें ये टैक्सी होती है। और सड़कें देखिए इंडोनेशिया की कैसी गजब सड़कें हैं। हमारी मंजिल पर सबसे मशहूर गेट है इस चर्च के सामने, गेट 5 अल फत्ता। हर गेट के यहाँ पर नाम। चलिए अंदर चलते हैं। शुरुआत में कुछ सामान वामन बेच रहे हैं। मौसम बड़ा खुशनुमा है। और ये देखिए कुछ फॉरेनर टूरिस्ट आए हुए हैं, उनको यहाँ के गाइड यहाँ की लैंग्वेज में समझा रहे हैं। इसमें से इतने इम्पोर्टेंट को कि शुरू में इनका ऑफिस है जहाँ पे हिस्ट्री बताई जाती है इस मस्जिद को लेके। बहुत बड़ा एरिया है। इधर सामने दुकानें हैं शॉपिंग की, इधर फूड कोर्ट टाइप है, खाने पीने की दुकानें ज़्यादा हैं यहाँ पर। और इधर कुछ ख़रीदारी के एतबार से अच्छी दुकानें हैं। अगर हम मार्केट देखते हैं, खूबसूरत मार्केट है यहाँ का। ये यहाँ की पारंपरिक ड्रेस है। हम अल्हम्दुलिल्लाह एक 40 मिनट के सफ़र के बाद हम लोग आ गए इस्तेखलाल मस्जिद के अंदर। इस्तेखलाल मास कहते हैं इसको। इस्तेखलाल एक अरबी लफ्ज़ है जिसके मायने होते हैं आज़ादी, फ्रीडम। जब 1945 में ये मुल्क आज़ाद हुआ और ममलकत इस्लामिया बना, एक इस्लामिक मुल्क बना, तो इन लोगों ने सबसे पहले यहाँ पर एक बड़ी मस्जिद क़याम करने की कोशिश करी। और लगभग तकरीबन 30 साल लगे। 22 फरवरी 1978 को, यानी 1978 को ये मस्जिद बन के तैयार हुई। इस वक्त ये मस्जिद पूरे इंडोनेशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है और पूरी दुनिया में ये 90 नंबर पे आती है। इस्तेखलाल का मतलब होता है फ्रीडम। देखिए मस्जिद कितनी खूबसूरत है। अभी इसको अंदर से चल के भी देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमको यहाँ जुम्मे की सआदत नसीब हुई।
चकलाल मस्जिद, ये अंदर जाने का रास्ता है। ये अच्छा करा, एक नहर टाइप जो है वो पूरी मस्जिद को चारों तरफ से घेर के रखती है, तो उससे मस्जिद के अंदर एक ठंडक बनी रहती है। ये यहाँ का फ्लैग है, उधर से लेडीज के नमाज के लिए जाने का रास्ता है, इधर से जेंट्स के लिए है। अल फत्ताह गेट का नाम है। ये परिया जो लिखा है इसका मीन मेंस होता है, इसका सिक्योरिटी चेक। नीचे वजू खाना बना हुआ है। खड़े होके वजू बनाने का है। इस तरह वजू खाने की सबसे अच्छी बात यह है कि ऊपर ये सैनिटाइजर दिया हुआ है और ऊपर ये कुछ रख भी सकते हैं, ऐसे पाँव धो सकते हैं। और पीछे बॉक्सेस बनाए हैं, अगर आपको कुछ सामान रखना है तो वो बॉक्सेस में रख सकते हैं। एटीएम टाइप मशीन भी है, कॉफ़ी पीना उसकी मशीन है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेना उसकी मशीन है। बड़ा सा वजू खाना बना हुआ है, मशीन एक, ये रिलैक्सिंग मसाज मशीन भी है, ये वजू खाने से बिल्कुल लगी हुई है। इसके अंदर कुछ पैसे का चार्ज करना पड़ता है और ये कुछ ऐसी वाइब्रेशन देती है जिससे बॉडी को मसाज मिलता है, आराम मिलता है। उस साइड भी है, ये वाटर की मशीन है, पानी ले सकते हैं। हम लोग इस वक्त हाजिर है इस्तकलाल मस्जिद के तहखाने में, जहाँ पे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं कुरान और हदीस की। ये देखिए बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, ये मस्जिद का तहखाना है, यहाँ पर बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। ये उस्ताद पढ़ा रहे हैं। अलग अलग हलके बना के उस्ताद पढ़ा रहे हैं और गालिबन अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। कुरान पढ़ाने की टेक्निक भी बड़ी प्रैक्टिकल है, बता रही है। पढ़ते पढ़ते अगर थक जाओ तो कौन सी नस को दबाने से रिलैक्स महसूस होगा, और एक दूसरे को वो नस दबाओ ताकि रिलैक्स महसूस हो और फिर वापस अपनी पढ़ाई पर लौटो। अच्छी तरतीब है। ये प्रोग्राम हुआ है इस मस्जिद में जिसका नाम कुरान वीक रखा हुआ है, इसमें स्कूली बच्चों को बुला के पढ़ाया जाता है और पढ़ाने का तरीका बड़ा अच्छा है, एंटरटेन करके ही पढ़ाया जाता है, हंसी मजाक और अच्छे माहौल में बच्चे को पढ़ाया जाता है। बस चलते इन लोगों को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते। सो ये वजू खाने के पास जो है ये नीचे मदरसा चलता है, जिसमें ये स्कूली बच्चों को बुला के कुरानिक सेशन चालू करते हैं।
इमाम साहब के सलाम की आवाज़ आ गई, इसका मतलब ऊपर बयान चालू हो गया। यहाँ पर बयान हुजूर और सहाबा की ज़िंदगी पे होता है और उस बयान का आखिरी हिस्सा मौजूदा हालात पे होता है। साथ में टीवी स्क्रीन भी लगी रहती है और मौजूदा हालात पर और मुसलमानों के हालात पर और दुनिया के हालात पर बात ज़रूर की जाती है। ये ऊपर चढ़ के हम लोग आ गए हैं मस्जिद के अंदर। ये खाली दालान है मस्जिद का। Big mouse. Bukan hanya ibadah. Jadi jangan kita mengira bahwa yang diatur dalam syariat hanya salat, puasa, zakat, haji. Tetapi bahkan jual beli, utang piutang, pinjam meminjam, sewa menyewa, bahkan perlombaan yang kita akan bahas ini, permainan juga semua dibahas. Karena kenapa? Karena kita umat manusia ini bukan makhluk. Esa, abi, hamare India me to nahi hua. Kalau malaikat itu layak sunallah ma'amal. Bari screen lagati. Tidak ada pembangkangan. Nah, kalau manusia ini imam dinamis. Dia ya, oh, imam sahab ini. Khusus mujhe dikhe nahi. Imam sahab wahan se baith ke bayan kar rahe hain. Aur unki takreer jo hai Indonesian language mein chalai ja rahi hai. Ya imam जो रहते हैं वो बदलते रहते हैं। हर नमाज में कोई इमाम चेंज होता है, हर एक नमाज दो नमाज के बाद। बड़ी मस्जिद है इमाम हुसैन, देखिए गुम्बद कितना ऊंचा है। वो रहे इमाम साहब, वो बैठ के बयान कर रहे हैं। और ये दो बड़ी स्क्रीनों पे उनके बयानों को चलाया जा रहा है। ada namanya hukum asal. Lo gak nasir hukum gue ya? Hukum asal itu ada dua yang terkait di sini, yang berkaitan dengan ibadah segalanya tidak boleh dilaksanakan. Jadi kita tidak boleh sembarangan beribadah, harus ada perintahnya. Ya. Al aslu fil ibadah al amr. Jadi harus ada perintahnya, harus ada petunjuk. Tapi kalau untuk amalah इमाम साहब है और पास में पूरी मस्जिद की वीडियो चल रही है ऊपर के कैमरे से। हाँ, कोई कैमरा लगा हुआ है जो रिकॉर्ड कर रहा है सब। ये इमाम साहब बयान हुजूर और सहाबा की ज़िंदगी से और फिर कुछ मौजूदा हालात पर। मस्जिदों में यहाँ एक सेंट्रल सिस्टम है। देखिए इमाम साहब लैपटॉप में देख के बयान कर रहे हैं और सेंट्रल सिस्टम ऐसे है कि सारी मस्जिदों में एक ही बयान होता है। पूरी उम्मत एक कॉल पर एक आवाज़ पर जुम्मे में इकट्ठा होती है और सबको एक जैसा ही मैसेज जाता है। मस्जिदों में अलग अलग बयान नहीं होता, पहले से डिसाइड होता है कि यार इस जुम्मे में ये बात कहें, ये वाक्या बताना है हुजूर की ज़िंदगी के, मुकद्दस पाक हुजूर की ज़िंदगी के वाक्यात, और फिर मौजूदा दौर पे ये बात है।
एक और अच्छी बात मस्जिद की मिली मुझको, जो अच्छी बातें वो सब सीखनी चाहिए। इमाम साहब क्या बयान कर रहे हैं, उनको जो स्पेशल लैंग्वेज है उसमें समझाया जा रहा है, जो लोग बेचारे बोल नहीं सकते, सीन सुन नहीं सकते। मस्जिद के इमाम साहब है, नमाज के बाद सब उनसे मुसाफा लेने जा रहे हैं। अगर हमारा नंबर लग गया तो फिर हम भी चले जाएंगे उनसे मुसाफा लेने। भीड़ बहुत है, मौज़िन साहब है इनसे मुसाफा ले लेते हैं। बड़ी मस्जिद के मौज़िन साहब है, मौज़िन सेकंड या नेम प्लेट लगी, इमाम फर्स्ट, सबकी पोजीशन दे रखी है और सब से काम करता है। अस्सलाम वालेकुम। बराबर 890 नमाज से फारिग होते ही सारे लोग यहाँ आ जाते हैं, इस तरह की गलियारे बने गए, लेट जाते हैं, बैठ जाते हैं, लोग फोटो खिंचाते हैं। इस तरह की कॉफी मशीन रहती है, तकरीबन हर बड़ी मस्जिद में मैंने देखी है इस तरह की मशीन रहती है। लॉकर सिस्टम दिए हैं इस्तकलाल, यहाँ से कुछ इसको ऑनलाइन करना पड़ता है और आप अपना कीमती सामान यहाँ के लॉकर में रख सकते हैं, और जाते हुए तो कुछ OTP वगैरह या स्कैन करके वो लॉकर ऑटोमेटिक खुल जाता है, अपना सामान निकाल सकते हैं। ये बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे लॉकर सिस्टम। मस्जिद से बाहर निकलते ही, मस्जिद से बाहर निकले, एक यूनिक चीज़ मिली, ये खजूर का जूस है, खजूर का जूस है, ये हमारी बहन दे रही है,
सैंपल फ्री था, मैंने टेस्ट करा, अच्छा लगा। और यहाँ के 8000 रुपये की एक बोतल है, खजूर का जूस है। मस्जिद कैंपस में एटीएम भी है, अगर पैसे निकालना हो तो एटीएम भी है, कुछ खाने पीने की और ख़रीदने की दुकानें भी हैं। बहरहाल वो खजूर का जूस तो बड़ा अच्छा था, हमने ले लिया। 8000 रुपये का यहाँ का मिला है, यानी तकरीबन 40-45 रुपये इंडिया के कटे हैं।